कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर पड़ी इनकम टैक्स छापेमारी में लगभग 300 करोड़ का अवैध माल बरामद किया गया है, जिसके खिलाफ नागपुर महानगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सकरदरा में धीरज साहू का पुतला जलाकर निषेध व्यक्त किया गया। इस समय दक्षिण नागपुर के विधायक मोहन मते, पूर्व विधायक मिलिन माने, नागपुर महानगर अध्यक्ष भाजपा जितेंद्र कुकड़े, अश्विनी जिस्कार, प्रगति पाटिल आदि भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे, जहां बड़ी मात्रा में मौजूदों ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के खिलाफ निषेध व्यक्त किया। जहां निरंतर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी, तो युवा ने कांग्रेस नेताओं के बैनर पर जूते मारे गए और साथ ही पुतला भी फूंका गया। जहां नागपुर महानगर भाजपा के अध्यक्ष जितेंद्र कुकड़े और दक्षिण नागपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक मोहन मते, इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ निषेध व्यक्त किया। दर्शकों, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर 300 करोड़ की अवैध राशि इनकम टैक्स की छापेमारी में मिली है, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा निषेध व्यक्त किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नागपुर महानगर के अध्यक्ष बंटी कुकड़े। निषेध क्यों व्यक्त किया जा रहा है, निषेध व्यक्त किया जा रहा है 300 करोड़ का जो है इनकम टैक्स की राशि मिले, क्या कहना चाहिए? कांग्रेस के जो साहू करके उड़ीसा के खासदार है, उनके तरफ में अवैध रूप से 300 कोटी रुपए मिले हैं। ये 300 करोड़ रुपए कहां से आए? ये जनता का पैसा है और ये जनता का पैसा उन्होंने घर में दबाकर खुद के उपयोग के लिए रखा था। और हमने कहा है, मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त हम भारत तैयार करेंगे, आत्मनिर्भर भारत तैयार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सारे कांग्रेसी नेताओं के अलमारियां चेक कीजिए, घर चेक कीजिए, ऐसा ही अवैध पैसा मिलेगा जो जनता का पैसा है और देश का पैसा है। निरंतर जो है शीतकालीन सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष निरंतर सभा त्याग कर रहा है, किसी भी प्रकार की जो है गहन चर्चा नहीं हो रही, क्या कहना चाहिए? उनका काम ही है सभा त्याग करना और सभा का त्याग करने के बाद में जनता के विकास के कार्यों को सपोर्ट न करना। इससे यह कांग्रेस की स्थिति पता चलती है कि उनसे डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उनको मात्र भ्रष्टाचार से लेना देना है। उनके खासदारों ने, उनके आमदारों ने, कांग्रेस के नेताओं ने जितना पैसा काली कमाई कमाई है, वो काली कमाई को बचा के रखना और उसको बढ़ाते रहना। दर्शकों, जिस प्रकार से नागपुर महानगर भाजपा के अध्यक्ष ने बताया कि जिस प्रकार से जो है 300 करोड़ की अवैध राशि मिले, जिसका विरोध किया जा रहा है, जाकि पुतले जलाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा, निरंतर कांग्रेस के निषेध में जो है नारे दिए जा रहे हैं, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दक्षिण नागपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक मोहन जी मते, जिनसे हम बात करेंगे। निरंतर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है संघर्ष यात्रा रोहित पवार के समर्थन में निकाली गई है, जहाँ की उन्होंने कल बोलते हुए कहा कि जो है नवाब मलिक का जो मामला है भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है नवाब मलिक के खिलाफ अगर झूठा मामला रहता, न पुलिस सर्विस करते न कोई अरेस्ट करता, और ना उसको अगर झूठा मामला रहता तो कोर्ट में उनको जल्दी बेल हो जाती उनकी। लेकिन इतने दिन रहने के बाद जिनका संबंध डायरेक्ट प्रूफ है, उसका प्रूफ है, पिछले सेशन में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जो प्रूफ उनको रखे, जो दाऊद की जो संपत्ति थी उन्होंने थर्ड पर्सन के थ्रू भरवा कर ली, अगर एक झूठ रहता तो अरेस्ट नहीं होते, झूठ नहीं रहता तो अरेस्ट नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि ये पवार जी के बगल बच्चे जिस प्रकार का वातावरण निर्माण कर रहे हैं, उसको उस नवाब मलिक को निर्दोष साबित कर रहे, ये पूरा गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन जिन लोगों ने पिछले 60 साल के अंदर, 70 साल के अंदर सिर्फ करप्शन के अलावा कुछ किया नहीं, इनके सांसद पूरे करप्ट है, एमएलए पूरे करप्ट है, इसलिए इस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। तो साथ ही साथ एक है जो है नागपुर महानगर भाजपा द्वारा प्रियांक खरे का भी पुतला जलाया गया, और शीतकालीन सत्र के शुरुआती दौर में पुतला जलाने की जो है परंपरा बोल सकते भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन है। प्रियांक रेड्डी ने जो स्वतंत्र वीर जी सावरकर जी का जो अवमान किया, उसके खिलाफ अगर राहुल गांधी, प्रियांक खड़गे इस प्रकार के राष्ट्रभक्तों को इस प्रकार से उनका अपमान, उनको अपमानित करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही हम उनको छोड़ेंगे नहीं। विपक्ष बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये भारत तोड़ो पार्टी है, साथ ही साथ पार्टी तोड़ो पार्टी बोल रहा है, क्या कहना? मुझे ऐसा लगता है पांचों बोट उंगली सरकी नहीं रहती, जो अच्छे लोग जो आना चाहते तो उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको लिया तो इसमें बुरा क्या?
दर्शकों, शीतकालीन सत्र के तीसरे कार्य दिन में जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है कांग्रेस का निषेध किया गया, जहां की धीरेन्द्र साहू के घर 300 करोड़ की अवैध धनराशि मिली है, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुतला भी जला गया, जिसकी हमने बात की भाजपा महानगर के अध्यक्ष जितेंद्र जी कुकड़े से, साथ ही साथ दक्षिण नागपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक मोहन जी मते, जिन्होंने काफी बड़ी मात्रा में जो है यहाँ निषेध व्यक्त किया है। तो जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं पुतला जलाया जा रहा है, बैनर पर जो है जूते चप्पल मारे जा रहे हैं, बड़ी मात्रा में जो है भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा निषेध व्यक्त किया जा रहा है। एक और भाजपा के झंडे लहरा रहे हैं, तो एक और नीचे जो है साहू का जो पुतला जलाया गया है उस पर 500 के नोट भी फेंके गए हैं, जिससे भ्रष्टाचारी जो है भ्रष्टाचार का निषेध यहाँ व्यक्त किया जा रहा है बड़ी मात्रा में। जो है देख सकते हैं आप बैनर जिस प्रकार से लगाए गए हैं, जूते मारे जा रहे हैं, चप्पल वहाँ मारे जा रहे हैं, और बड़ा जो है असंतोष यहाँ व्यक्त किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।